जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद है तेरे, न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। नमस्कार, बोल कि लब आजाद है तेरे, मैं अभिसार शर्मा। रूसी हमले में यूक्रेन में भारतीय विद्यार्थी नवीन की मौत हो गई है। आपकी स्क्रीन पर उनके पिता, आप जानते हैं उनके पिता क्या बोल रहे हैं? उनके पिता बोल रहे हैं कि मेरे बेटे को 95 से 97% मिले थे, मगर फिर भी उसे यूक्रेन जाना पड़ा था मेडिकल की पढ़ाई के लिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनका कहना था कि जो लोकल मेडिकल कॉलेज है, यानी कि भारत के मेडिकल कॉलेज, वहां पर डोनेशन चलता है, वहां फीस चलता है, और वो फीस उनकी औकात से बाहर थी। उनके बेटे ने 95% स्कोर किया था, फिर भी उसे यूक्रेन में जाना पड़ा था। और आपके स्क्रीन्स पर यह है प्रहलाद जोशी, मोदी सरकार में मंत्री। जानते हैं इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो लोग यूक्रेन जाते हैं उनमें से 90% छात्र नीट जो परीक्षा होती है मेडिकल की, उसमें फेल हो जाते हैं। मैं ये समझना चाहता हूं, मैं प्रहलाद जोशी साहब ने जो कहा उसकी फैक्चुअल एनालिसिस नहीं करना चाहता हूं। वो सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, उसकी बात नहीं करना चाहता हूं, मगर क्या ये कोई मौका रहा इस तरह की बात करने का? एक तो नवीन का परिवार जो है, उनके आने वाले कई दिन अंधकार में गुजरने वाले हैं, और फिर केंद्र का एक मंत्री कहता है कि 90% लोग जो यूक्रेन जाते हैं वो लोग नीट की परीक्षा में फेल हो जाते हैं। क्या इस सरकार में थोड़ी सी भी सेंसिटिविटी है? और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दो चीजें मैं आपको बतलाना चाहता हूं। कल उन्होंने उत्तर प्रदेश के अपने एक सभा में कहा कि क्या आप घर घर जाके मेरा नमस्कार लोगों तक पहुंचाएंगे? आपकी स्क्रीन पर उनका बयान है। प्रधानमंत्री, मैं समझना चाहता हूं उस नमस्कार के जरिए आपका कार्यकर्ता क्या कहेगा? आपका कार्यकर्ता यह कहेगा कि जब मेरे विद्यार्थी फंसे हुए थे यूक्रेन में, तब आपका पूरा प्रचार तंत्र उसकी हालत के लिए उस पर दोष मढ़ रहा था, उन विद्यार्थियों पर दोष मढ़ रहा था। आपका पूरा प्रचार तंत्र जो है वो ये कह रहा था कि नहीं, दोष उन छात्रों का है जो वहां पर रह रहे थे, जिन्होंने भारत सरकार की चेतावनी पर गौर नहीं किया। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये स्क्रीनशॉट्स देखिए, ये तमाम लोग भाजपा के प्रचार तंत्र से जुड़े हैं और ये लोग नवीन कुमार को गाली दे रहे हैं, दोष मढ़ रहे हैं नवीन कुमार के परिवार और खुद नवीन कुमार पर। इतने संवेदनहीन हो गए हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि इनको मोदी सरकार की साख बचानी है। और यह मत सोचिए कि ये ऐरे गहरे नत्थू कह रहे ट्रोल्स ही ऐसी बात कर रहे हैं। आपके स्क्रीन पर दोस्तों ये चैनल, और इस चैनल में संवाददाता कह रहा है कि भारत सरकार ने तो बहुत अच्छा काम किया है, दोष जो है नवीन कुमार का है, दोष विद्यार्थियों का है, भारत सरकार का काम बाकी दूतावासों से बहुत अच्छा है। आप देख रहे हैं पूरा एक प्रचार तंत्र लगा हुआ है हमारे विद्यार्थियों पर दोष मढ़ने के लिए, कितने शर्म की बात है। आज मैं आपको एक एक करके बतलाने वाला हूं कि भारत सरकार ने समय रहते कोई चेतावनी नहीं दी थी। ये जो मैं पड़ताल आपके सामने ला रहा हूं, फैक्ट चेकर्स और बीबीसी के एक संवाददाता हैं, उन्होंने जो ट्वीट किया है उस जानकारी के आधार पर मैं आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहूंगा, 25 जनवरी को कीव में जो हमारा दूतावास है, यह जानकारी जो है ट्वीट करता है। इस जानकारी में, इस विज्ञप्ति में कहीं पर भी यह नहीं लिखा हुआ है, कहीं पर भी यह नहीं लिखा हुआ है कि भारतीय विद्यार्थी यूक्रेन छोड़कर जल्दी चले जाएं। उल्टा सिर्फ इतना ही कहा गया है कि आप लोग सतर्क रहें और अपने आप को रजिस्टर करा लें, वेबसाइट्स में जो जानकारी आ रही है उस पर गौर करें। जबकि आपके स्क्रीन्स पर अमेरिका ने 23 जनवरी को ये एडवाइजरी अपने नागरिकों, अपने विद्यार्थियों के लिए जारी की थी, जो सबसे पहली वाली पंक्ति पढ़ूंगा उससे आप समझ जाएंगे। Do not travel to Ukraine due to the increased threats of Russian military action and COVID-19. Exercise increased caution in Ukraine due to crime and civil unrest. Some areas have increased risk. Read the entire travel advisory. और प्रधानमंत्री क्या कहते हैं अपनी रैली में? फिर से पढ़िए। मेरा एक काम करोगे, घर घर जाओगे, मेरा प्रणाम जब मतदाताओं को कहेंगे तो मुझे बहुत आनंद होगा।
प्रधानमंत्री मुझे बताइए ना, इसमें आनंद कहां है, किस नजरिए से आनंद है। अब 25 जनवरी को साहब विदेश मंत्रालय का यह फरमान, जहां कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि आप जो है यूक्रेन छोड़कर आ जाएं, यानी कि विदेश मंत्रालय के अधिकारियों का झूठ वहीं पकड़ा जाता है जो यह दावा कर रहे थे कि हमने तो जनवरी में चेतावनी दे दी थी। अब मैं आपको बतलाने वाला हूं एक एक करके फैक्ट्स आपके सामने। पहली एडवाइजरी भारत सरकार की कब आती है, 15 फरवरी को आपके स्क्रीन पर, और इस एडवाइजरी में लिखा गया है कि जो गैर जरूरी लोग हैं वो चाहें तो छोड़ सकते हैं। भाषा देखिए, वो चाहें तो छोड़ कर सकते हैं, मे कंसिडर टू लीव। यहां सख्त हिदायत नहीं दी गई है कि आपको यूक्रेन छोड़ना चाहिए। मैं आपको 2015 की तरफ लेकर चलना चाहूंगा, यमन में भी ऐसी हालात हो रहे थे। उस वक्त हमारे जो विदेश मंत्रालय ने किन साफ लफ्जों में चेतावनी दी थी वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। All Indian nationals advised again to leave Yemen by commercial flights as security situation is fragile. साफ तौर पर कहा गया है छोड़ के जाइए। दूसरा एडवाइजरी, इंडियन nationals in Yemen may consider leaving the country on voluntary basis by commercial means. यमन में जो इन्होंने सलाह दी थी इसमें कोई असमंजस, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं समझना चाहता हूं कि यूक्रेन में आपने इस तरह की एडवाइजरी क्यों नहीं दी। 16 फरवरी को विदेश मंत्रालय का यह फरमान आता है, और इस फरमान में जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा गया है कि फ्लाइट्स जो हैं वो पूरी तरह से बुक हो गई हैं, हाउसफुल फ्लाइट्स बुक हो गई हैं, और विदेश मंत्रालय नागरिक उड्डयन मंत्रालय यानी सिविल एविएशन मंत्रालय से बात कर रहा है एक्स्ट्रा फ्लाइट शुरू करने के लिए, अतिरिक्त फ्लाइट शुरू करने के लिए। यानी कि 15 फरवरी को जो एक फरमान जारी किया गया है कि आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, उसके बाद यह फरमान जारी किया जाता है कि फ्लाइट्स बुक हो चुकी हैं। क्या लिखा गया है? मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इज ऑल्सो इन डिस्कशन विद मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड वेरियस एयरलाइंस फॉर एक्सपैंडिंग फ्लाइट्स बिटवीन इंडिया एंड यूक्रेन। एज ऑफ नाउ अवेलेबल फ्लाइट कनेक्शंस आर दिल्ली टू कीव एंड अदर कनेक्शंस वाया शारजा, दुबई, अलमाटी, फ्रैंकफर्ट, दोहा। टिकट्स शुड बी परचेज्ड फ्रॉम वेरीफाइड हैंडल्स, वेरीफाइड सोर्सेज। एक तो मैं यह समझना चाहता हूं, जब 16 फरवरी को विदेश मंत्रालय ने कहा कि आप टिकट्स सिर्फ वेरीफाइड यानी पुष्ट सोर्सेस के जरिए खरीदें, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं आपका यह फंड है ICWF, आप जानते हैं इस फंड का क्या मकसद होता है? कि जब भी असामान्य हालात होते हैं विदेश में तो इस फंड के जरिए हमारे भारतीयों को वहां पर लाया जाता है, विदेश से भारत लाया जाता है, और अगर वो विदेश में फंसे हों तो वहां उनकी रहने का इंतजाम किया जाता है इस ICWF फंड के जरिए। मैं पूछना चाहता हूं विदेश मंत्रालय से, क्या आपने इस फंड का इस्तेमाल किया? इस तारीख पर गौर कीजिए, 18 फरवरी को 3 फ्लाइट्स की घोषणा होती है, 22 फरवरी, 24 फरवरी और 26 फरवरी। ये 3 फ्लाइट्स जो है 18 फरवरी को इस बात की घोषणा की जाती है कि इन 3 तारीखों को फ्लाइट्स उड़ेगी, मगर इसके तुरंत बाद विद्यार्थियों की यह शिकायत सामने आती है। विद्यार्थी ये कहने लगते हैं, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, कि फ्लाइट्स आर सोल्ड आउट। इसका अर्थ क्या हुआ? कि बहुत बड़ी तादाद में विद्यार्थी वहां फंसे हुए थे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या एक ही सरकार सही है और वहां जो 15 से 16 हजार बच्चे फंसे हुए हैं वो गलत हैं? मैं आपसे समझना चाहता हूं 2011 में लीबिया में ऐसे हालात क्यों नहीं पैदा हुए, क्योंकि लीबिया से भी करीब 17 हजार विद्यार्थियों को, भारतीयों को लीबिया से भारत लाया गया था। 90 के दशक में जब खाड़ी युद्ध हुआ था तब करीब 1.5 लाख लोगों को खाड़ी क्षेत्र से भारत लाया गया था, तब ये हालात क्यों नहीं पैदा हुए थे? और सबसे बड़ी बात, नागरिकों को यह अधिकार होना चाहिए कि वो अपनी सरकार पर सवाल खड़ा कर सकें। अब जब वो सवाल खड़ा कर रहे हैं तो आप उन्हें देशद्रोही और उनको बदनाम कर रहे हैं, जो व्यक्ति मर गया है उसे टारगेट कर रहे हैं। आगे देखते हैं साहब, कई विद्यार्थी ये शिकायत कर रहे थे कि फ्लाइट्स फुल हो गई हैं। इसके अलावा कई विद्यार्थी ये भी शिकायत कर रहे थे कि टिकट्स बहुत महंगे हो गए हैं, यानी कि 10-12 हजार रुपए की जो फ्लाइट है वो 1 लाख रुपए में मिल रही थी,
मैंने आपसे कुछ देर पहले आपको ICWF फंड की बात याद दिलाई, वो फंड जो विदेश मंत्रालय का फंड है। मैं ये समझना चाहता हूं इसका इस्तेमाल आखिर क्यों नहीं किया गया। आप देख सकते हैं यहां पर कोई अविनाश सुनील गुप्ता हैं, फ्लाइट इज कॉस्टली, तुषार निगम 60,000 की फ्लाइट है बहुत ज्यादा है, अक्षित आर्या 63,000 की फ्लाइट है बहुत ज्यादा है, आजाद मलिक 60,000 की फ्लाइट है, यानी कि जो 10,000 की फ्लाइट है वो 6-6 गुना बिक रही थी और कुछ मामलों में 1,00,000 रुपए की भी। अब 20 फरवरी को पहली बार विदेश मंत्रालय एक स्पष्ट सलाह जो है जारी करता है कि सभी लोग यूक्रेन छोड़ दें। जी हां, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो भी कमर्शियल या चार्टर्ड फ्लाइट हैं आप चले जाएं यूक्रेन छोड़कर, इन व्यू ऑफ द कंटिन्यूड हाई लेवल्स ऑफ टेंशंस एंड अनसर्टेनिटीज विद रिस्पेक्ट टू द सिचुएशन इन यूक्रेन, एंड ऑल इंडियन स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू लीव यूक्रेन टेम्पररली। अवेलेबल कमर्शियल फ्लाइट्स एंड चार्टर फ्लाइट्स मे बी अवेलेबल फॉर ट्रैवल फॉर ऑर्डरली एंड टाइमली डिपार्चर। और फिर फरवरी 21 की तारीख को 25 फरवरी और 27 फरवरी की फ्लाइट्स की घोषणा होती है, यानी कि 21 तारीख को इस बात की घोषणा होती है कि 25 फरवरी और 27 फरवरी को फ्लाइट्स उड़ेंगे यूक्रेन से। मगर फिर एक बुरी खबर आ जाती है, वो बुरी खबर यह होती है कि यूक्रेन का एयर स्पेस पूरी तरह से बंद हो जाता है, यानी कि यूक्रेन अब कोई भी फ्लाइट नहीं उतर पाएगी। मगर इस दौरान भी हमारे मीडिया का घटिया खेल जारी होता है। रिपब्लिक जैसे न्यूज चैनल्स जो है ये खबर चला रहे होते हैं कि इस वक्त यूक्रेन के एयर स्पेस में कोई भी फ्लाइट नहीं घुस रही है, सिर्फ एयर इंडिया घुस रही है। यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चस्व, यानी कि देश की जनता को झूठ बोलना। वो मोदी जी ने भी कहा था ना अपनी रैली में, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। उसी का अनुसरण रिपब्लिक जैसे, जी न्यूज जैसे चैनल्स कर रहे थे। आज मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैंने जो तमाम तथ्य आपके सामने रखे, इससे स्पष्ट हो जाता है कि भारत सरकार ने समय रहते अपने विद्यार्थियों को चेतावनी नहीं दी, नंबर एक। नंबर दो, न्यूज चैनल्स जो हैं उन्होंने भी अपना कर्तव्य नहीं निभाया, उल्टा न्यूज चैनल्स भी दोष मढ़ रहे हैं हमारे विद्यार्थियों पर। जी न्यूज ये कार्यक्रम चला रहा था, ये पुतिन घर में घुस के मारता है। मैं सवाल पूछना चाहूंगा, क्या जी न्यूज नवीन के परिवार से माफी मांगेगा? क्योंकि कुछ दिनों पहले तक आप ये कह रहे थे कि पुतिन घर में घुस के मारता है, मगर खबर यही है कि रूसी सेनाओं की बमबारी में जो कि गवर्नर हाउस में हुई उसमें नवीन की मौत हो गई। क्या ये न्यूज चैनल्स इन परिवारों से माफी मांगेंगे? बताइए, कितने शर्म की बात है दोस्तों। और इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि जब सरकार ये मन बना ले कि उसकी आलोचना करने वालों पर हम निशाना साधेंगे, तो ये मायने नहीं रखता कि वो मुसलमान है या दलित है। जो भी इस सरकार से सवाल करेगा उस पर निशाना साधा जाएगा, मगर हां, बहुमत में जो हिंदू है उनके नाम पर ये सियासत करेंगे। जिस दिन वो बहुमत भी सवाल करने लग जाएगा उसे भी देशद्रोही करार दिया जाएगा। ये इनका अंदाज़े बयां है। बोल के लब आजाद है तेरे में, बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।